करोगे बात तो पहचान निकल सकती है, तुम्हारी नजरे ही वरदान निकल सकती है। किसी के हो गए हो ये मत बताओ तुम, जरा सी बात से जान निकल सकती है, जरा सी बात से जान निकल सकती है। और सुनिएगा, मेरी अच्छाई बुराई भी छोड़ दी तुमने, खुदा की सारी खुदाई भी छोड़ दी तुमने, तुम्हारे बाद एक लड़की भी नहीं देखी, इसीलिए तो सगाई भी छोड़ दी तुमने, इसीलिए तो सगाई भी छोड़ दी तुमने। चाय वाली बिल्कुल नई कंपनियां हैं, भाई साहब को बहुत पसंद है, अक्सर संडे को सुनते हैं। तमाम लोगों से एक बात छुपाई होगी, संग दुपट्टे के कुर्ती भी भिगाई होगी, फिर से नाराज हुए होंगे तेरे घर वाले, आज फिर तुमने घर की चाय जलाई होगी, आज फिर तुमने घर की चाय जलाई होगी। और बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ले लो भैया। उसे जो आंसू को गिराया तुमने, उसके बाद से सबके लिखने लग गया था, ये आखिरी पंक्ति थी मतलब। अपनी आंखों से जो आंसू को गिराया तुमने, तुम्हें पता नहीं किस दर्जा सताया तुमने, और खुद की बारात के स्वागत में फूल फिगवाए, इश्क के वादे को ऐसे भी निभाया तुमने। बहुत बहुत धन्यवाद। भी हो सकती है। सबसे पहले मैंने फर्स्ट ईयर में था, उस समय आदरणीय गुरुदेव जी के संचालन में मैंने अल्लाई में पढ़ी थी, तो वही पंक्तियां हैं। तेरे आने से रुसवाई भी हो सकती है, मेरी महफिल मेरी तन्हाई भी हो सकती है, आज तो छत पे नजर आते रहे दिन भर बादल, ये तेरे जोब की परछाई भी हो सकती है, ये तेरे जोब की परछाई भी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी में अंत में इस कार्यक्रम के आज जो के अध्यक्ष हैं और आज रानी वड़ोद साहित्य सम्मान भी उन्हें मिला है, और आज के इस कवि सम्मेलन पर शिखर कलश के रूप में मैं आदरणीय मनोज जी को आमंत्रित करूं इन पंक्तियों से, कि दिल आंखें बंद करके भी वो चेहरा देख सकता है, कि दिल आंखें बंद करके भी वो चेहरा देख सकता है, तमाशा ही नहीं है मगर तमाशा देख सकता है, और हम दरवाजे खिड़कियां बंद कर ले तो भी क्या है, जो सूरज है उसे तो जमाना देख सकता है। आदरणीय मनोज जी हमारे बीच में एक बार जोरदार तालियों से।